नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैंने आपको ईस्ट फेसिंग दुकान के बारे में पार्ट वन में सेटअप के बारे में बताया था। अब मैं आपको इसी दुकान के इसी शोरूम के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप अपना घड़ी का शोरूम बनाने जा रहे हैं, उसमें सिटिंग और सेटिंग आपने कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपने जो ध्यान रखना है, जो आपकी एंट्रेंस होनी चाहिए, वो एंट्रेंस ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर आपने एंट्रेंस बनानी है। फ्रंट में आपने जो डिस्प्ले करनी है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके जहाँ तक गेट का हिस्सा आता है यहाँ पर डिस्प्ले करनी है, और उसके बाद गेट के दूसरे हिस्से से लेके नॉर्थ ईस्ट कोने तक आपने डिस्प्ले बनानी है। ऐसे ही आपने साउथ वॉल पर साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक आपने डिस्प्ले बनानी है। जब आप डिस्प्ले बनाएं तो डिस्प्ले के नीचे लगभग 3 फुट तक आपने स्टोरेज बनानी है, और उसके बाद आपका अपना डिस्प्ले बनेगा। ऐसे ही डिस्प्ले आपने नॉर्थ के भाग में भी बनानी है। नॉर्थ के भाग में जब आप डिस्प्ले बनाएं तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से लेकर आपने नॉर्थ सेंटर तक डिस्प्ले बनानी है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ। नॉर्थ सेंटर तक जब आप डिस्प्ले बनाएं तो उसके बाद आपने एक नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर लुकिंग मिरर जरूर लगाना है। इसके बाद फिर आपने एक और डिस्प्ले बनानी है, और वो डिस्प्ले भी आपकी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर छोड़ के बनानी है। आपने नॉर्थ ईस्ट कोने में भी एक लुकिंग मिरर जरूर लगाना है, क्योंकि आपके यहाँ नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर और एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में मिरर लगेगा तो आपके यहाँ हमेशा ही वर्किंग अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका घड़ी का शोरूम है और घड़ी के शोरूम में मिरर भी लगाए जाते हैं, और मिरर सही दिशा में लगते हैं तो उस शोरूम के अंदर हमेशा ही वर्किंग अच्छी बनी रहती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने काउंटर कहाँ लगाने हैं। डिस्प्ले के जो काउंटर है आपने साउथ जोन में साउथ ईस्ट की ओर एक डिस्प्ले काउंटर लगेगा, उसके बाद आपका दूसरा डिस्प्ले काउंटर लगेगा, और आप सिंगल डिस्प्ले काउंटर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ऐसे ही आपने नॉर्थ जोन में भी डिस्प्ले काउंटर लगाने हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपके यहाँ सिटिंग कहाँ होनी चाहिए। जो ऑनर की सिटिंग है वो आपने अपने साउथ वेस्ट के भाग में एल शेप में आपने काउंटर लगाना है। ऑनर की सिटिंग यहाँ आएगी, और जो कैश ड्रॉअर बनानी है, जो गल्ला बनाना है, वो ऑनर के सामने या राइट हैंड की ओर ही बनेगा। आपके यहाँ जो बिलिंग के लिए कंप्यूटर रखा जाएगा वो कंप्यूटर आपके सिटिंग के सामने आएगा, और प्रिंटर रखना है तो वो प्रिंटर आपका वेस्ट के भाग में आ जाएगा। आपने अपने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्टोरेज करनी है वो स्टोरेज आपकी साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक कंप्लीट वेस्ट के भाग में आपकी एक्स्ट्रा स्टोरेज हो जाएगी। आपको लगता है कि आपके यहाँ एक्स्ट्रा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है तो आप वेस्ट वॉल पर अपनी डिस्प्ले भी कर सकते हैं, और आपके यहाँ वेस्ट के भाग में सीढ़ियाँ नहीं है तो भी आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, और सीढ़ी है तो उसके आगे के भाग में पार्टीशन करके आप उसके ऊपर भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अंदर के हिस्से में आपकी स्टोरेज आ जाएगी। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो आप नॉर्थ के भाग में डिस्प्ले करेंगे उसमें फर्श से लगभग 2.5 से 3 फीट की जो स्टोरेज करते हैं वो स्टोरेज आपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेकर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक नॉर्थ वॉल पर आपने स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं करनी है। नॉर्थ वॉल पर आपने सिर्फ डिस्प्ले करनी है। आपने अपने यहाँ पर इन्वर्टर लगाना है, वो इन्वर्टर आपने साउथ ईस्ट जोन में ही लगाना है। मंदिर आपने कहाँ बनाना है। मंदिर आपने ईस्ट की दीवार पर गेट से लेके साउथ ईस्ट कॉर्नर तक जहाँ आपको स्पेस मिलता है यहाँ पर आप अपना मंदिर लगाएं। पीने का पानी आपने कहाँ रखना है। पीने का पानी आप नॉर्थ सेंटर से लेकर
नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक, जहां आपको स्पेस मिलता है यहां पर आप पीने का पानी रख सकते हैं। इस प्रकार आप अपने शोरूम की सीटिंग और सेटिंग करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपका अपना शोरूम है, शोरूम के अंदर जो कलर करना है वो कलर या तो ऑफ वाइट कलर होना चाहिए या वाइट कलर होना चाहिए। इस प्रकार आप अपने शोरूम की सीटिंग और सेटिंग करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ हमेशा ही बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे, आपको प्रॉफिट हमेशा मिलता रहेगा। आपने मेरी ये वीडियो देखी है तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरी इससे पहले वाली वीडियो यानी पार्ट वन भी ज़रूर देखिए, क्योंकि आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं, अपनी नई दुकान बनाने जा रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं कि आपको अपनी दुकान के अंदर, अपने शोरूम के अंदर वास्तु के अनुसार किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। आप मेरी वीडियो को अच्छे तरीके से सुनकर समझकर अपने यहाँ बदलाव करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप मेरे से वास्तु सलाह लेना चाहते हैं तो आप मेरे यहाँ मेरे ऑफिस में आकर वास्तु सलाह ले सकते हैं, और आप मेरे यहाँ ऑफिस में नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन भी वास्तु सलाह मेरे से ले सकते हैं। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक जरूर पहुंचे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।